तो गाइज ये है आज से 3000 साल पुरानी अंडरग्राउंड सिटी, मतलब रोमन राज्यों से बचने के लिए लोग इसके अंदर छिप जाते थे। मतलब यार देख के यकीन ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी कि ऐसे रास्ते अंदर से काट काट के कैसे सारे बना रस्ते दिए। एक जैसे इसलिए हैं क्योंकि उन्हें कोई ढूंढ ही ना पाए, और अगर उन्हें कोई ढूंढ ले तो वो ही इजिली उन्हें मार सके। हे हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो यार आज है कैपाडोकिया में हम, और भाई टेम्परेचर हो रहा है -5 और -6 सुबह का, और देखते हैं शाम को तो रात को चांसेस हैं कि आज और भी बढ़ जाए। तो यार हम निकले थे फिलहाल, मैंने आपसे रात को कहा था बलून जो होता है हॉट एयर बलून होता है यहाँ का, मतलब बहुत फेमस चीज़ है। अगर आप टर्की आए हो, आपने अगर वो नहीं करा तो आपने कुछ नहीं करा। तो वो है यहाँ पे, और भाई यहाँ से ये मान लो जो हवा है बहुत तेज़ चल रही है कुछ दिनों से, तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है यहाँ की उसकी परमिशन नहीं दे रही। हमने हालांकि वो बुक तो करा था, बट बुकिंग का ये रहा कि तेज़ हवा की वजह से कैंसिल हो गया। भाई कैंसिल हो गया, बट हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कल हो जाए। अगर कल भी नहीं हुआ तो भाई हमें आगे निकलना पड़ेगा छोड़ के, आगे देखेंगे जो आगे की जो डेस्टिनेशन रहेगी वहाँ देखेंगे। अगर वहाँ होता है हॉट एयर बलून तो वहाँ ट्राई करेंगे। हालांकि हम उठे थे 6 बजे और भाई 7 बजे का टाइम था यहाँ से निकलने का, कि भाई हॉट एयर बलून जो होता है वो सनराइज़ जब होता है ना तो उसमें ही अच्छा लगता है, मतलब सनराइज़ होते हुए हॉट एयर बलून जो वहाँ का व्यू होता है तो वही सब दिखाते हैं, और भाई काफ़ी बहुत 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 अच्छा होता है। बट कोई नहीं, होप सो हम कल करेंगे। अब टाइम हो गया है भाई यहाँ पे ब्रेकफास्ट का, इसके बाद हम होटल से निकलेंगे ब्रेकफास्ट करके सिटी टूर के लिए। सिटी टूर के लिए निकलने के बाद जो यहाँ के जो सिटी टूर है नॉर्मल जो जगह है म्यूजियम है वो कैप्चर करेंगे अपने व्लॉग में। बस बाकी अब इस नज़ारे को एंजॉय करो आप। ये है नज़ारा भाई यहाँ का, ठंड हो रही है तो हाथ कांप रहे हैं थोड़े से, ठंड एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो रही है। चलो चलते हैं अंदर, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट के बाद। भाई ये है होटल का नाम, अगर किसी को बुक करना टर्की है, और क्योंकि बेस्ट होटल है। हवा ने हमारा सारा प्लान कर दिया है चौपट, और बन चुका है हमारा पोपट। अब यही है कि रूम में थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर गाड़ी का वेट करते हैं। जैसे ही गाड़ी आएगी अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद गाड़ी में बैठ देंगे। ग्राउंड है और सारे जो घर हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बाकी अंदर जाके पता लगेगा। दिस इज़ अ अंडरग्राउंड सिटी, देखते हैं कैसी अंडरग्राउंड सिटी है टर्की की। काफ़ी पुरानी लग रही है यार देखने से, तो पत्थर ये बाकी स्टेयर्स। टर्किश कैट अंदर अगर बहुत सारे लोग हैं तो गर्माता है, और नहीं तो ठंड लगेगी बहुत तेज। Usually after during invasion period, no cook, because cooking meaning you kill the people because of smoke. You will see sometime you go inside and then you will feel less oxygen will reduce, and then no fire.
तो यहाँ पर जो 3000 साल पहले लोग रहते थे उनके एनिमल्स रहते थे जो वॉर के टाइम यहाँ पे सेफली बचने के लिए आ जाते थे। तो ये जो सिटी है ये 3000 साल पुरानी है जो यहाँ के लोग मतलब अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ करते थे अंडरग्राउंड होने के लिए। तो ये अंडरग्राउंड सिटी इसलिए बनाई गई है। तो यहाँ के रास्ते टेढ़े मेढ़े इसलिए हैं कि कोई अगर बाहर का बंदा आए तो उसे मार दिया जाए आसानी से। हो जाए तलवारबाजी, ये लग गई, ये जीतते हैं, ओए लग जाएगी सच में, ये फाइटिंग के बीच में डांस चालू हो गया क्या? तो यार दोस्तों अभी हम हैं यार तीसरी मंजिल पर यहाँ पर, और भाई ऐसे ही ये जो मंजिल बाय मंजिल मतलब दसवीं मंजिल तक ये नीचे तक है। दसवीं मंजिल में क्या होता था, जो भी रोमन राज्य से बचने के लिए यहाँ पर आते थे तो उनकी जो डेथ होती थी मतलब जो उनकी बॉडी होती थी, क्योंकि दसवीं मंजिल पे इतनी ठंड है अगर यहाँ पर वो रखते जो भी उनकी डेड बॉडीज थी अगर वो अपने यहाँ पे रखते तो स्मेल हो जाती, तो इसलिए वो उसको नीचे मतलब दसवीं मंजिल पे जाके रखते थे जिससे बॉडी सड़े ना और स्मेल ना हो और उनका किसी को पता ना लग पाए। और भाई ये है सामने आप देख रहे हैं किचन एरिया है सारा, और भाई यहाँ पर मतलब बड़ा सा एक बर्तन आता था नीचे से लकड़ियाँ जाती थी और भाई यहाँ पर कुकिंग होती थी, और एक बहुत बड़ा सा एक बर्तन रहता था जिसमें वो लोग कुकिंग करते थे, और क्ले का बर्तन रहता था, स्टील का नहीं उस टाइम पे, क्ले का जो बर्तन रहता था। और भाई ये जो मेरे सामने एरिया देख रहे हैं यहाँ पर बनाई जाती थी वाइन, क्योंकि यहाँ पे ठंड इतनी होती थी तो वो वाइन के सहारे अपनी बॉडी को गर्म रखते थे, अदरवाइज़ यहाँ पे सर्दी की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। और वो इस जगह पे मतलब ग्रेप्स डालते थे, ग्रेप्स को यहाँ पे डालते थे और अपने पैरों से मैश करते थे ऐसे, और भाई वो ऐसे नीचे इसमें इकट्ठा होता था और वो वाइन बनती थी और उसको वो यूज़ करते थे उस टाइम पहले। और भाई ये जो जितना भी है ये मतलब पहाड़ को खोद खोद के बनाया गया है, मतलब मिट्टी को खोद खोद के। वो लोग वाइन इंजॉय पार्टी के लिए नहीं पीते थे, बस वो वाइन इसलिए पीते थे कि वो अपनी बॉडी को गर्म रख सकें और अपने आप को सेफ रख सकें। मतलब पहले के जो लोग होते थे वो यार वो इतने दिमाग वाले होते थे, मतलब दसवीं मंजिल तक किसी ने सोचा था नीचे तक बना दे। Yes. That this is very important. Well, I know this is of course for fun. I know you enjoy. No, I'm not blaming you. No? But drinking wine not for fun, not for watching the belly show. Drinking wine for calms. Calms. Yeah. So definitely, because it's so scary. Even the children drink a little bit wine just for silence. Silence. You know, you imagine after the army and then you have baby and crying. No. Otherwise, they can hear you. Put some poison or to burn. You know, this has happened. This is a life. They had that life, you know. Okay? And then this is a winery. It's a symbol. Okay, please let's go. What? तो यार गाइस देखने में ना सारे रास्ते अभी हम यहाँ से आए हैं तो सारे रास्ते सेम के सेम लग रहे हैं। और भाई ये जो साइड में देख रहे हैं आप मेरे, यहाँ पे रखते थे लोग अपने पिजन्स जो मैसेजेस भेजते थे ना उस टाइम पे पिजन्स के द्वारा भेजे जाते थे। अभी हम हैं चौथी मंजिल पर, और भाई ये है चौथी मंजिल का, और भाई ये होता था नीचे जाने का एरिया, और भाई ऊपर होता था ऑक्सीजन के लिए। ये जो चिमनी देख रहे हैं आप ये ऑक्सीजन के लिए होती थी, तो वहाँ की सेफ्टी के लिए जिनसे उनके घर में कोई घुस ना पाए तो उसके लिए ये दरवाज़ा बनाया गया था। और भाई इसको बस वही लोग खोल सकते थे, अगर कोई बाहर से खोलने की कोशिश करे तो वो बिल्कुल नहीं खोल सकता था, क्योंकि यार ये बहुत 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 ज़्यादा हैवी है। अभी अगर ये दरवाज़ा बंद हो जाता है तो हम इसको खोल ही नहीं पाएंगे और भाई हम यहाँ पर फंसे भी रह सकते हैं। तो कभी भी जब रोमन राज्य के जो साम्राज्य के सैनिक थे ऊपर और उनको थोड़ा लगता था कि नीचे जाना चाहिए, तो वो वहाँ यहाँ के लोग इस दरवाजे को बंद कर देते और वो इसको खोल नहीं पाते थे। और भाई रास्ते सारे एक जैसे होने के कारण मतलब भूल भुलैया टाइप है ना सारा, तो वो टाइप से तो वो आते थे तो ईज़िली होता था उन्हें, मतलब ये जो नीचे रहते थे उन लोगों को उन्हें ढूंढना ईज़िली होता था बाकायदा जो ऊपर से आते थे उनके मुकाबले। तो रास्ते सेम होने की वजह से वो लोग उन्हें ईज़िली मार देते थे यहाँ पर। तो ये जो नीचे आप गड्ढा देख रहे हैं यहाँ पर मतलब स्नो इकट्ठी की जाती थी जिससे उसका पानी बन जाए, क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल भी बहुत होती थी।
तो यहाँ पे स्नो इकट्ठी कर देते थे और भाई उसका पानी बना लेते थे और वो पी लेते थे। तो बेसिकली इसे बोला जाए तो उस टाइम का ये वाटर स्टोरेज था। ये देखो उस टाइम पे होते थे ऐसे रास्ते, मतलब इतना छोटा सा रास्ता है ना भाई, पूरा झुक के जाना पड़ेगा इस रास्ते में से। तो यार जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं, पांचवें मंजिल पे पहुंच चुके हैं, और जैसे जैसे भाई नीचे जाते जा रहे हैं फील हो रहा है थोड़ा कि सांस थोड़ा हमें तेज तेज लेना पड़ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो यहीं से ही हम चले जाएंगे यार ऊपर की तरफ, और आप सोच सकते हैं कि उस टाइम के लोगों को कितनी डिफिकल्टी होती होगी। Pigeons is like the value such as gold. Today also, because of the feces, the pigeons toilets, you know, fertilizer, minerals for farming, for agriculture, such a gold, definitely. And then every underground, every home, today also, special pigeons houses. Yes, pigeon houses. Okay. Definitely. And also pigeons, not only fertilizer, not for the, you know, communication, and also the pigeons, of course, the egg, egg white for mortar, for building. Glue, very strong glue, okay? And then shell, eggshell, they make a white painting, you know? Yes. Every item of the pigeons they used, you know? They didn't eat, actually. They only used, you know, everything except the meat. Let's go. तो गाइज ये है बाहर जाने का रास्ता, और भाई ये है उनका एक और दरवाज़ा। और भाई मेरे को तो ये दरवाज़ा देख के डर लग रहा है, अगर ये गिर जाए इधर की तरफ तो मैं इसको खोल भी नहीं पाऊँगा, मैं क्या कोई भी नहीं खोल पाएगा। तो इसलिए इसके नीचे इस पत्थर से लगा रखा है जिससे ये आगे की तरफ ना आए। अब चलते हैं बाहर, और भाई आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पर ही ख़त्म। और भाई उस टाइम की लाइफ कैसी थी आपको सारा मैंने बता ही दिया है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ होती होगी। तो यार मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।